हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ आप चैनल ये सब्सक्राइब करें। और आज हम देखेंगे जॉन विक चैप्टर 3। इससे पहले आपने दो पार्ट नहीं देखे है तो मैंने हुकअप लिंक में वो दे दिया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं और उसके बाद ही ये आप पार्ट स्टार्ट करना। तो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। जॉन न्यूयॉर्क में दौड़ता है जब उसका ग्रेस पीरियड खत्म होने वाला होता है। वो एक गली में जाता है, वहां पर उसे टिकटॉक मैन देखता है और जो बाउरी किंग का जासूस है। जॉन एक टैक्सी में बैठता है लेकिन सड़कें जाम थी। सिर्फ 20 मिनट बचे हैं जब तक वो ऑफिशियली एक्सकम्युनिकेटो हो जाएगा, तो वो कैलकुलेशन कर लेता है और टैक्सी से उतर जाता है और दौड़ने लगता है। लेकिन उससे पहले ड्राइवर को एक गोल्ड कॉइन देता है। शरण के पास कॉन्टिनेंटल में कुत्ता छोड़ने की मांग करता है। वो लाइब्रेरी पहुंचता है और एक बुक मांगता है जिसमें उसका एक छुपा हुआ हिस्सा मिलता है, जहां पर कुछ कॉइन मिलते हैं, एक क्रॉस मिलता है और एक मार्कर मिलता है। ये सभी देखकर और लास्ट में उसकी बीवी का एक तस्वीर मिलती है जिसे वो किस करता है और एक बड़ा आदमी उसके सामने आ जाता है जिसका नाम अर्नेस्ट था। उसे बुकशेल्फ में जॉन को अर्नेस्ट बुकशेल्फ में घेर लेता है। जॉन उसे कहता है कि अभी मेरे पास टाइम है। अर्नेस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ ही मिनट में कौन देखेगा, ऐसा वो कहता है। दोनों में एक भयंकर लड़ाई शुरू होती है और उस बुक से ही अर्नेस्ट का मुंह तोड़ने और उसकी गर्दन मरोड़ने तक ये बात खत्म हो जाती है। लेकिन इसके दौरान जॉन को एक शोल्डर पे बहुत बड़ी चाकू से जख्म होती है, तो डॉक्टर के पास वो पहुंचता है। सिर्फ 5 मिनट बचे होते हैं, डॉक्टर मदद करने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन बीच में ही सिलाई बंद कर लेता है क्योंकि ग्रेस पीरियड खत्म हो गया था। जॉन का 14 मिलियन इनाम यहाँ पर चल रहा है। जॉन यहाँ पर अपने आप को सील रहा है और गोलियाँ खा रहा है। दवाई खाने के बाद जॉन ने डॉक को उसकी फरमाइश पर गोली मार दी ताकि हाई टेबल को लगे कि डॉक ने यहाँ पर एक्सकम्युनिकेटो की ऑर्डर का पालन किया है। जॉन चला जाता है और तुरंत ही एक भीड़ का सामना करता है। वो एंटीक आर्म शॉप में फंस जाता है तो जॉन पुराने हथियारों का इस्तेमाल करके एक भयानक लड़ाई में सभी को मार डालता है और एंटीक शॉप भी यहाँ पर तबाह हो जाती है। जॉन सड़क पर निकलता है और भी ज्यादा लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो हॉर्स के स्टेबल में घुस जाता है जहाँ पर जॉन और घोड़ों की शक्तिशाली लात के सामने कोई भी नहीं टिकता। वो स्टेबल से घोड़े पर बैठकर निकलता है और दो आदमी मोटरसाइकिल से उसका पीछा करने लग जाते हैं। जॉन घोड़े पर बैठकर दोनों को मार डालता है। जॉन का बाउंटी अब 15 मिलियन हो गया था। यहाँ पर जॉन एक थिएटर में पहुंचता है जहाँ उसे अपने पॉकेट खाली करने पड़ते हैं, बेल्ट उतारनी पड़ती है। वो डायरेक्टर से मिलना चाहता था, उसकी मांग पूरी कर दी जाती है। लाइब्रेरी से जो क्रॉस उठाया था वो दिखाकर बोलता है कि मैं यहाँ का। वो दोनों जॉन की हिस्ट्री पर बात करते हैं। यही वो जगह थी जहाँ पर जॉन बड़ा हुआ था। वो जॉन को थिएटर के पीछे लेके जाते हैं जहाँ उसने बैलेट डांसर और जुजुत्सु के रेसलर को ट्रेन किया था। तो डायरेक्टर उसे पूछती है कि वो क्या चाहता है, तो जॉन बता देता है कि मैं कासाब्लांका जाना चाहता हूँ और आप मेरी मदद करें। इस हेल्प को लेकर जॉन को हमेशा के लिए ये चर्च में आना बैन हो गया था और वो किसी भी फैमिली का यहाँ पर मेंबर नहीं रहा। एक इज्जतदार औरत कॉन्टिनेंटल में घुस आती है। वो शरण को कॉइन देती है जो विंस्टन को बताता है कि एक एडजुडिकेटर उनसे मिलना चाहती है। विंस्टन कॉन्टिनेंटल का मैनेजर है। जब वो लेडी सैंटिनो की लाश देखना चाहती है तो विंस्टन को बताती है कि उन्हें अपनी पोजीशन से हटना होगा क्योंकि उन्होंने जॉन को जिंदा छोड़ दिया था जब उसने कॉन्टिनेंटल के जमीन पर खून बहाया था। बाउरी किंग को भी यहाँ पर वो लेडी मिलने आती है, वो उसे कहती है, लेकिन बाउरी किंग उस लेडी से कहता है कि वो एक्सकम्युनिकेटो का सम्मान कर रहा था। लेकिन वो लेडी बताती है कि हाई टेबल के नियमों से कोई भी आज़ाद नहीं है और उसे शहर छोड़कर जाना पड़ेगा क्योंकि उसने जॉन को एक बंदूक दी थी। जानते हुए कि उसका एक इस्तेमाल होने वाला है, बाउरी किंग उसका मजाक उड़ाता है, कहता है कि वो अपनी थ्रोन से नहीं हट सकता क्योंकि वही थ्रोन है। वो लेडी एक छोटी सी सुशी शॉप पे जाती है जहाँ पर शेफ जेरो है जो उसका कॉइन पहचानता है और उसे कहता है, मुझे लगता नहीं था कि आप इतने जल्दी आओगे। वो जॉन के बारे में पहले से ही जानता है और उसे मारने के लिए दिलचस्पी रखता है। एडजुडिकेटर जॉन को मारने का काम देता है, साथ ही साथ सभी को मारना जो जॉन की मदद की थी।
तो दूसरी तरफ जॉन सोफिया के पास चला जाता है। उसने एक डॉग के वेस्ट पर एक वेपन छुपाया था। जॉन उसे कहता है कि वो सिर्फ उसके बॉस से बात करना चाहता है, लेकिन सोफिया स्केप्टिकल है। वो एक कॉम्प्लेक्स में पहुंचते हैं जहां पर बेराडा से मिलते हैं, जो सोफिया का पुराना बॉस है। जॉन बेराडा से पूछता है कि वो उसे द एल्डर से मिलवाना चाहेगा, जो हाई टेबल के ऊपर बैठा है, ताकि वो अपना माफी मांग सके। बेराडा कहता है कि वो नहीं जानता है कि एल्डर कहाँ पर है, लेकिन जानता है कि एल्डर सिर्फ उन्हें ढूंढता है जो उसे ढूंढने के लिए कोशिश करते हैं। वो जॉन को ये कहता है कि वो डेजर्ट में जाए और तारे देखते हुए चलता रहे जब तक वो ऑलमोस्ट डेड ना हो जाए, जहाँ पर एक एल्डर उसे मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता है। जाने से पहले बेराडा एक गिफ्ट मांगता है। वो सोफिया का एक डॉग चाहता है, लेकिन सोफिया उसे डॉग देने से मना कर देती है। वो डॉग को गोली मार देता है। बेराडा को नहीं पता था कि बुलेट प्रूफ वेस्ट पहना हुआ कुत्ता था, तो जॉन सोफिया को बदला लेने के लिए खिलाफ वार्न करता है, लेकिन सोफिया बेराडा को गोली मार देती है। उसके स्टाफ के साथ फाइट शुरू हो जाती है। डॉग बेराडा के सेंटर पे हल्ला कर देता है। सेंटर माने आप समझ सकते हो। जब गार्ड्स मर जाते हैं, सोफिया बेराडा को लेग पे गोली मार देती है। दोनों एस्केप करते हैं, लेकिन और गार्ड उनके पीछे आ रहे हैं। वो कॉम्प्लेक्स के बाहर निकलते हुए शूट करते हैं और सोफिया के डॉग उसका कमांड मानते हैं और उसे फॉलो करते हैं। और फिर सोफिया और जॉन डेजर्ट की तरफ चले जाते हैं। वो लेडी द डायरेक्टर से कहती है कि उसका एग्रीमेंट हाई टेबल के साथ उसे ये नहीं अलाउ करता कि वो जॉन की हेल्प करे। वो अपनी वफादारी दिखाने के लिए एग्री करती है, जहाँ पर वो लेडी उसका पेनल्टी ब्लड में पे करने के लिए कहती है। जोरो अपनी स्वॉर्ड से उसके दोनों हाथों में छेद कर देता है, लेकिन उसे जिंदा छोड़ देता है। जॉन और सोफिया डेजर्ट में ड्राइव करते हैं। जॉन अपनी फिंगर को प्रिक करता है और अपने ब्लड से मार्कर साइन करते हैं। सोफिया का डेप्थ फुलफिल हो जाता है। सोफिया अपने डॉग्स को ज्यादा पानी देती है। वो बाकी पानी अपने माउथ में लेती है और स्विल करती है, उसके बाद बोतल में फिर से स्पिट करती है। वो जॉन को बताती है कि वो आज नहीं तो कल मरने ही वाला है। जॉन वही पानी की बोतल लेके डेजर्ट में चला जाता है और उसे वो छोड़ देती है। जॉन रेगिस्तान के ऊपर एक दिन और एक रात चलता है, फिर वो गिर जाता है। दूसरे सीन में बाउरी किंग यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में है। निंजा ने बहुत सारे गार्ड को ब्रूटली कट डाउन किया था और जेरो ने यहाँ पर जुडिशियर का आदेश मानते हुए बाउरी किंग को रूफ पे अप्रोच करते हैं। यहाँ पर वो लेडी कहती है कि हाई टेबल के लिए आपकी वफादारी साबित करने के लिए पहले आपने जॉन को 7 गोलियां दी थी, तो आपको भी यहाँ पर 7 वार झेलने पड़ेंगे। जब आप जिंदा बचोगे तो आप यहाँ पर राज कर सकते हो। फिर जेरो उसे 7 कट्स देता है। बाउरी किंग रूफ टॉप पे ही गिर जाता है। रेगिस्तान में एक छुपे हुए आदमी को जॉन मिलता है। फिर जॉन एक टेंट में जागता है। वो एक एल्डर के सामने होता है, जो उसे बताता है कि उसने कभी भी इतना गुमशुदा आदमी नहीं देखा। वो उसे पूछता है कि वो जिंदा क्यों रहना चाहता है। जॉन कहता है कि वो हेलेन को याद रखने के लिए जिंदा रहना चाहता है। तो एल्डर उसे एक चॉइस देता है, यहाँ मर जाओ या फिर बोगीमैन बन जाओ। मौत के जरिए उसे याद रखना है। वो कभी भी आउट नहीं हो सकता, ये एल्डर कहता है, जैसे कि वो पहले था, लेकिन वो अभी एक्सकम्युनिकेटेड है। उल्टा वो कर सकता है, बदले में उसे विंस्टन को मारना होगा। जॉन मान जाता है और अपनी अंगूठी वाली उंगली काट कर द एल्डर को अपनी वफादारी का प्रतीक देता है। द एल्डर उसकी वफादारी को स्वीकार करता है। वो अपने स्टाफ से जॉन की न्यूयॉर्क लौटने में तैयारी करने के लिए कहता है और उसे नए कपड़े देता है। न्यूयॉर्क पहुंचते ही निंजा जॉन को जेरो से मिलवाने के लिए ले जाते हैं। जॉन और जेरो लड़ने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन एक लाइन में कुल के बच्चे उन्हें रोक देते हैं। जॉन यहाँ से भाग निकलता है। 2 मोटरसाइकिल निंजास को वो मार देता है और एक की मोटरसाइकिल लेके भाग जाता है। जीरो और उसके निंजा कातिल जॉन का पीछा करते हैं। फ्रीवे पर जब हाई स्पीड में मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं, जॉन कई तलवार वाले दुश्मनों को मारता है। जीरो उसके पीछे पीछे शहर में आ जाता है, लेकिन दोनों कॉन्टिनेंटल के पास क्रैश हो जाते हैं, क्योंकि जॉन का हाथ कॉन्टिनेंटल के जमीन पर होता है, इसलिए जीरो उसे मार नहीं सकता। शेरॉन जॉन को एक वेटिंग रूम में ले जाता है और जीरो भी उनके पीछे आता है। यहाँ जीरो जॉन को ये एहसास दिलाता है कि वो कितना बड़ा फैन है। वो जॉन से कहता है वो दोनों सेम है, लेकिन जॉन इसे सहमत नहीं होता। जॉन अपने कुत्ते से फिर से एक बार मिलता है और विंस्टन से, और विंस्टन उसे मिलने के लिए तैयार होता है। तब तक उसे बैठने और रुकने के लिए कहता है। जॉन विंस्टन से मिलने के लिए एक क्लासरूम में जाता है, जो सिर्फ तब यूज किया जाता है जहां पर अपोनेंट उसे खुद लड़ने के लिए आ रहा हो। तो विंस्टन को पता होता है कि जॉन यहां पर उसे मारने के लिए आया है। वो अपने दोस्त से ही मारा जाना चाहता है,
लेकिन जॉन को बताता है कि एक और रास्ता भी है, वो ट्रिगर खींच सकता है और अपनी आत्मा को बेच सकता है, हमेशा के लिए बोगीमैन बनकर हाई टेबल के लिए काम करना शुरू कर सकता है या फिर हाई टेबल के खिलाफ लड़ सकता है और अंत में अपनी बीवी के प्यार के लिए मर सकता है। वो लेडी पूछती है कि जॉन उसे मारेगा या नहीं, तो जॉन कहता है नहीं मारूंगा, तो वो कॉन्टिनेंटल को डी कॉन्सेक्रेटेड करती है। अब उसकी जमीन पर बिजनेस कंडक्ट किया जा सकता है और दोनों ही निशाने पर है। कुछ हाई टेबल के सबसे अच्छे लोग यहाँ पर जल्द ही उनके साथ मिलने आएंगे, लेकिन सर्कमस्टेंस के हिसाब से विंस्टन जॉन से सारी प्रिविलेजेस रीइंस्टेंट करता है, मतलब उसे गन चाहिए होंगे, बहुत सारी गन्स वो दे देता है। जॉन को विंस्टन आर्म रूम दिखाने के लिए जाता है, जहाँ पर बताया जाता है कि हाई टेबल ने अपने आर्मर को इम्प्रूव किया है और उसके लिए एक स्ट्रॉन्गर कैलिबर राउंड रिकमेंड किया जाता है। विंस्टन खुद को आर्म सेफ में लॉक कर देता है, जबकि जॉन, शेरन, कुछ लॉयल हाई टेबल के गून्स यहाँ पर लड़ने जाते हैं। उनका आर्मर किसी ने सोचा भी नहीं था इतना टफ निकलता है। तो जॉन को अप क्लोज जाना पड़ता है और जुडिकेटर विंस्टन को फोन करती है और पूछती है कि वो अपने डिफेंस में कितनी देर तक चला सकता है। वो फोन रख देता है और उसके बात करने का तरीका यहाँ पर बता देता है कि विंस्टन बहुत एटीट्यूड में है। सिर्फ जॉन और शेरन ही हाई टेबल के पहले वेव से बच पाते हैं। वो आर्म शेप में रिग्रुप करते हैं, जहाँ शेरन उसे एक आर्मर पियर्सिंग शॉटगन इंट्रोड्यूस करता है, मतलब जहाँ शेरन आर्मर को भेजने वाली एक शॉटगन दे देता है। दूसरा वेव आता है तो जॉन उनका काम तमाम कर देता है, शॉटगन के सर को क्लीन ऑफ उड़ाने के लिए सक्षम होता है, शॉटगन उनका हेडशॉट लेने के लिए सक्षम होता है। वो लेडीज फिर से विंस्टन को कॉल करती है और पूछती है कि एक प्रलय बेनिफिशियल हो सकता है, वो मान जाता है। लेडी फिर से विंस्टन को कॉल करती है और समझौते का प्रस्ताव रखती है। जॉन ग्लास रूम में पहुंचता है, निंजाज उस पर हमला कर देते हैं और जॉन को उस ग्लास पे फेंक देते हैं। अंत में जॉन को उन्हीं दोनों को तलवार से मारना पड़ता है। वो ऊपर की तरफ आता है, वहां पर जीरो उसका इंतजार कर रहा था। जीरो को भी एक छाती में उसकी कटना ही घुमा कर देता है और जीरो भी यहाँ पर धराशय हो जाता है। विंस्टन और द एडजुडिकेटर छत पर है, वो समझौता कर रहे हैं। वो विंस्टन को बताती है कि ये सिर्फ पहली वेव थी, कि और भी वेव आने वाली है, कॉन्टिनेंटल गिर जाएगा। विंस्टन जवाब देता है कि वो कॉन्टिनेंटल वापस ले सकता है, उसके यहाँ पर बहुत सारे रिलेशन है और वो न्यूयॉर्क में है। जॉन पहुंचता है जब एडजुडिकेटर डिसाइड करती है विंस्टन का पावर यहाँ पर शो करने के लिए ईमानदारी साबित कर सकता है, वो कॉन्टिनेंटल को रीइंस्टेट करती है। लेकिन वो लेडीज उसे कहती है कि जॉन का उसको कुछ करना पड़ेगा। विंस्टन उस लेडी की बात मान जाता है और जॉन को कई बार गोली मार देता है और गोलियां उसके जैकेट से बाउंस हो जाती है और उसे पीछे धकेल देती है। जॉन छत से गिरते समय कई सारी चीजों को टकरा जाता है ताकि उसकी स्पीड यहाँ पर गिरने की कम हो जाती है। फिर भी वो जमीन पर जोर से गिरता है और एडजुडिकेटर यहाँ पर खुश हो जाती है। वो लेडी चली जाती है, लेकिन वो जॉन के शरीर को देखना चाहती है। वो फिर कॉन्टिनेंटल में आ जाती है और विंस्टन को बताती है कि उसका शरीर गायब है। वो कहती है जॉन विक से उन्हें बचना चाहिए। विंस्टन सहमत होता है और कहता है बाबा योगा। कॉन्टिनेंटल से जॉन नीचे गिरते ही यहाँ पर बाउरी किंग का जासूस आता है और एक कार्ड में बैठा कर लेके चला जाता है। जॉन के कुत्ते को भी ये पता चल जाता है और उसके कार्ड के पीछे पीछे वो चला जाता है। सिंहासन पर सोडा पीते हुए बाउरी किंग बैठा होता है, वो भी काफी जख्मी होता है और जॉन से पूछता है कि अगर उसे सुन सकता है तो हाथ उठाए। जॉन अपना हाथ उठाता है। बाउरी किंग जॉन की बेवफाई और हाई टेबल के नियमों के बारे में बात करता है। वो कहता है कि टेबल के नीचे ज्यादा काम होते हैं और वो बहुत पीस ऑफ होता है। वो जॉन से पूछता है कि क्या वो भी पीस ऑफ होता है। जॉन धीरे धीरे अपना सर उठाता है और वो खून में लथा हुआ, उसकी आग भी बिगड़ी हुई होती है और जवाब दे जाता है हाँ। तो दोस्तों, ये थी मेरी जॉन विक 3 मूवी के बारे में एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको ये मूवी कैसी लगी। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक हैव अ नाइस डे।